हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ईयरबड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डब्बा को खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो हमने अब ये डब्बा खोल चुका है, तो आपको दिख सकता है इसके अंदर क्या क्या है। तो डब्बा को रखते हैं साइड में, और ये रहा इसके ईयरबड और एक टिप इसमें लगा हुआ ईयर टिप, और ये रहा दूसरा ईयरबड, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहा केस। केस की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, और आपको बैक साइड पे एक चार्जिंग पिन दिख रहा है। तो इसे रखते साइड में और देखते इसके अंदर एक मिल जाता आपको USB केबल, और ये रहा कुछ वारंटी कार्ड और मैनुअल। आप कैसे इसे ऑन करेंगे ये सब है, इसका कौन पड़ता है। तो ये है ईयर टिप, दो पेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसे। तो ये चारों चीज़ इसके अंदर मिलता है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इस पर मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 और ईयरबड चार्जिंग टाइम 90 मिनट, और प्ले टाइम देखें तो 8 से 10 घंटा तो काफ़ी अच्छा है। और हेडफोन में बैटरी आपको मिल जाता है 50-50 mAh दोनों विदाउट केस, जो आपको हेडफोन में मिलता है। और फिर अगर केस की बात करें तो इस पर 300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके हिसाब से तो आपको इस दोनों ईयरपॉड को 3 बार चार्ज होना चाहिए, लेकिन मैंने चेक किया तो इसे 3 बार नहीं, 2 बार चार्ज हो जाती है, ऐसे अगर 2.5 बार ऐसे मान सकते हैं। अगर इसके कंफर्ट की बात करें तो अगर कान में लगा के देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिट आ जाता है, और हिलाने के बाद हल्का हिलाने के बाद भी ये नहीं खुलता है। तो एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आपके कान में फिट हो जा रहा है। अब अगर इसके साउंड की बात करें तो आप सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड आता है। साउंड की कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक एवरेज ईयरबड ये मान सकते हैं आपको। अब बारी है तो उस बात पर ध्यान देना कि अगर कॉलिंग पे ये अगर ईयरबड है तो कॉलिंग पर थोड़ा दिक्कत होना चाहिए। तो आपको अब जो आवाज़ सुनने वाले हैं आप उससे की बात करते हुए कॉलिंग पर, तो आप सुन सकते हैं, और आपके अपने हिसाब से इसे लेना नहीं लेना आप प्रीफर कर सकते हैं। तो सुनिए इस आवाज़ को। तो गाइस, ईयरबड आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, साउंड क्वालिटी सही है, देख रहे हैं जैसे बैकग्राउंड में भजन चल रहा है तो वो भी अच्छा खासा कैच कर रहा है, लेकिन नॉइज क्वालिटी कैंसिलेशन नहीं है क्या, पर बाकी तो आवाज़ सही लग रहा है। अब बात आती है कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो देख के तो आपको पता लग गया होगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 899 रुपीज़, जो कि ऑफर में शायद चल रहा होगा, तो मुझे 799 की मिल गई। तो आप इसे अगर ख़रीदना चाहेंगे तो अमेज़न लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।